दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट तेवंगाना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत दे दी है। जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत मिली है। तीनों को पूर्वोत्तर दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के सिलसिले में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट होने के बाद मीडिया द्वारा इस पर डिबेट भी हुई थी। आज इस वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया में कुछ अंतर की करते हैं। जब पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था तो गोदी मीडिया ने उनके बारे में काफी कुछ बोला था। आरोपों के घेरे में वो पिंजरा तोड़ो ग्रुप है जो कैंपस में नियम कायदों को लेकर अक्सर सड़कों पर उतरता था, मगर CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाने के लिए पिंजरा ग्रुप का मॉड्यूल चौंकाने वाला है। शाहीन बाग की तर्ज पर मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी गई और फिर भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब करने की साजिश रची गई। पिंजरा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसने दिल्ली की आबोहवा में जहर घोल दिया। जाफराबाद की संकड़ी गली से पिंजरा तोड़ ग्रुप निकला और दिल्ली की सड़क को जाम कर दिया। इन हॉस्टल का पिंजरा तोड़ते तोड़ते ये लोग दंगाई कैसे बन गए? शोएब जमाई कश्मीर की वहाबी विचारधारा शाहीन बाग में क्यों घूम रही थी? मैंने कहा था शाहीन बाग एक दिन दंगा करवाएगा और साबित हो गए। आपके जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, आईसा के लोग, JNU के लोग ये पढ़ने जाते हैं कि दंगा करवाने जाते हैं? जवाब दीजिए। अब जब उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है तो मीडिया में ये सिर्फ खबर बनकर रह गई है। इस पर क्या मीडिया ने डिबेट की, आइए देखते हैं। पहले अमीश देवगन की डिबेट देखते हैं। खबर 15 जून की है। अमीश ने 15 जून की डिबेट का मुद्दा था सियासत में बगावत युग, राजनीति में क्यों चल रहा है अपनों के बीच युद्ध, और 16 जून का मुद्दा राम को बदनाम कर तंखा भड़काने की टूलकिट। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने जा रहा हूं, आपके बीच लेकर आया हूं। बीते कुछ सालों में देश में कई बार सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की भरपूर कोशिश की गई। इस बार गाजियाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया जहां दावा किया गया कि कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम को बोलने को कहा। जब उसने नारा नहीं लगाया तो इन लोगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर झूठी जानकारियों के साथ वायरल होने लगा। इसके अलावा न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की डिबेट्स भी देख लेते हैं 15 और 16 जून की। दीपक की 15 जून की डिबेट का मुद्दा था गलवान को गुजरा साल पर चीन क्यों नहीं सुधरा, और 16 जून की डिबेट का मुद्दा भड़काऊ वीडियो कांड में इस पर कैसे फंसा ट्विटर। इसके बाद गाजियाबाद में एक मामला हुआ, यहाँ पर एक 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समित की पिटाई हुई। अब्दुल समित की पिटाई लोनी में हुई। लोनी गाजियाबाद रूरल में आता है और लोनी में इस पिटाई की वजह अब्दुल समित ने बताई कि उसे किडनैप किया गया, उसे घर में ले जाकर बंद किया गया, उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उसे बहुत पीटा गया। मामला सांप्रदायिक हो गया। इसके बाद धनाधन ट्वीट होने लगे। ट्वीट कई लोगों के द्वारा किए गए। इसमें प्रमुख नाम थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदूवादी गुंडे इन्होंने ये सब किया है। इसके अलावा बाकी मीडिया की डिबेट्स की बात करें तो आप खुद देखिए क्या थी बाकी मीडिया के मुद्दे। क्या देश की राजनीति में दल बदल और बगावत की हवा चल रही है? आंदोलन जीवी या मर्डर जीवी, जिंदा जलाएंगे शहीद बताएंगे। सियासत में बगावत युग, ऐसा राग छेड़ो कि सारा किसी और बात पे बहस ही ना हो। यूं तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस कई बार फेक न्यूज पहले भी फैलाती रही है। आपको ऐसे विषय चाहिए जो कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेशनल, भावनाओं से खेल हो सके लोगों। यूपी में जीत के लिए क्या हिंदुत्व जरूरी है या फिर ये सियासी दलों की मजबूरी? क्या कांग्रेस ये थप्पा लगाना चाहती है मोदी सरकार पर कि देखिए गाय के बछड़े का वध करके, यानी गौ वध करके उसका सीरम निकाल के मोदी सरकार, हिंदुत्व वाली सरकार वैक्सीन बना रही है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है आपका? अबे दुबे जी बता दीजिए। कांग्रेस का गाय बछड़ा को वैक्सीन पर लफड़ा। तो मुसलमान कर दो, जातियों में बांट दो लोगों को, हिंसा करा दो, या राम मंदिर। इस मुद्दे में अहम बात ये थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कई अहम टिप्पणियां की थी। अगर हम कोई राय व्यक्त किए बिना दलील के लिए ये मान भी लें कि मौजूदा मामले में भड़काऊ भाषण, चक्का जाम, महिला प्रदर्शनकारियों को उकसाना और अन्य कृत्य जिसमें याचिकाकर्ता के शामिल होने का आरोप है, संविधान के तहत मिली शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा को लांघते हैं, तो भी ये UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य, साजिश या आतंकवादी कृत्य को
अंजाम देने के लिए साजिश की तैयारी करने जैसा नहीं है। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो सरकार से सवाल करता है और सही जानकारी भी देता है। पहले बात वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की करते हैं। रवीश ने एनडीटीवी पर अपने प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कोर्ट द्वारा सुनाए फैसले को लेकर जानकारी भी दी। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए। इस खबर की चौहद्दी से वे खिलाड़ी बाहर और अदृश्य क्यों हैं, जिन्होंने दंगों के आरोप में इन छात्र छात्राओं को लंबे समय तक जेल में बंद रखने का खेल खेला। अदालत की टिप्पणियां बता रही हैं कि इनके खिलाफ उपा यूएपीए की धाराएं भारत में आतंकी साजिश को खत्म करने के लिए नहीं लगाई गई थी, बल्कि इनके सवालों से, इनके नारों से आतंकित सरकार सबक सिखाना चाहती थी। अब भी इस तरह की कार्रवाई देश में किसी और के साथ जारी है। आप गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नाम लेकर किसी को सवाल करते नहीं देखेंगे, ना इनमें से कोई जवाब देने सामने आएगा। अब बात वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम की करते हैं। अजीत अंजम ने भी इस मुद्दे पर अपनी वीडियो के जरिए बात की और कुछ जानकारी भी दी। एक क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, उनके विचार से सत्ता या सरकार असहमत हो सकती है, लेकिन इन्हें सलाखों के पीछे ये कहकर भेज देना कि ये आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, इसे हाईकोर्ट ने किन शब्दों में खारिज किया है। अगर उन शब्दों को, उस फैसले को मोदी और अमित शाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पढ़ें और एक बार ठंडे दिमाग से विचार करें तो शायद उन्हें लगेगा कि इस देश में यूएपीए के तहत विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को, असहमत आवाजों को, अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को, छात्राओं को, प्रोफेसर को, एक्टिविस्ट को कैसे तरह तरह के मामलों में फंसाकर सलाखों के पीछे न सिर्फ भेजा जाता है बल्कि पुलिस लगातार ऐसे इंतजाम करती है, ऐसे फर्जी सबूत गढ़ती है कि उन्हें जेल से निकलने का मौका न मिले, उन्हें जमानत न मिले, लेकिन ये जेल से बाहर है। इस मुद्दे को वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने द लाइव टीवी पर अपने शो के जरिए उठाया और सरकार से कुछ सवाल भी किए। और हाईकोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों? हाईकोर्ट ने यह कहा था कि हर इंसान को विरोध का अधिकार है, हर विरोध प्रदर्शन को आतंकवाद के साथ मत जोड़िए। यूएपीए ये जो है आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, आपने विद्यार्थियों के खिलाफ लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता जो है उसको कुचल रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। एक करारा तमाचा था मोदी सरकार के मुंह पर, गृह मंत्रालय के मुंह पर। और बेशर्मी देखिए दिल्ली पुलिस की कि तुरंत छोड़ने के बजाय ये लोग ये कह रहे थे कि हमें आप 21 जून तक का समय दीजिए, हम अभी पता करेंगे, इनका जो पता है, इनका जो एड्रेस है, उसकी जानकारी हमें जो है उसकी पुष्टि करनी है, तभी जाके हम रिहा करेंगे। इन्होंने यही डॉक्टर कफील खान के साथ किया था और यही तमाम लोगों के साथ कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय दीजिए और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दोनों तरफ के मीडिया में से कौन सही था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।